हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्लास स्टैंडर्ड थर्ड। सो आज हम करेंगे चैप्टर 4-5 मेंटल मैथ्स 3। पेज नंबर है आपका 87। सो चैप्टर 5 क्या था आपका? डिवीज़न, जिसमें हम कर रहे हैं मेंटल मैथ्स 3। तो जो नंबर 9 वाला था वो हमने मेंटल मैथ्स 2 में भी सीखा था। तो देखिए यहाँ पर हमें डायरेक्ट क्या है दिखाना था, लेकिन यहाँ पर हमें रिमाइंडर भी बताना है। अब देखिए यहाँ 18 डिवाइडेड बाय 4, यानी हमें 4-4 काउंट करके चलना है जब तक 18 ना आ जाए। ठीक है, तो देखिए 1, 2, 3, 4, तो यहाँ से चले हम 4 पर, फिर 1, 2, 3, 4, फिर 4 से कहाँ आ गए? 8, यानी 4-4 का डिफरेंस है। तो 4 का टेबल पढ़ सकते हैं या तो हम, या फिर हम 4-4 यहाँ नंबर लाइन पर काउंट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ 4 का टेबल पढ़ेंगे। 0 से 4, 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा क्या होता है आपका 12, 4 4 ज़ा 16। अब देखिए 16 है, यहाँ हम 16 पर आ चुके हैं और हमें कहाँ तक बोला है 18। तो अगर हम एक और आगे चले 4 4 5 ज़ा 20, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? 20 पर। लेकिन हमें पहुँचना कहाँ है? 18 पर। तो देखिए 18 हमारा कंप्लीट 4 नहीं है, ये 2 के बाद है। तो हमारा रिमाइंडर क्या हो गया? 2। और हमारा जो क्यूटेंट आया 1, 2, 3, 4। सो क्यू बराबर 4 और आर बराबर 2। इस तरीके से आप अपना आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा 14 डिवाइडेड बाई 3। अब देखिए 3 3 का टेबल पढ़ना है और 14 पर पहुंचना है। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। अब देखिए यहाँ 16 पर पहुँचना है, यहाँ पर हमारा 3 का डिफरेंस नहीं है। तो देखिए आपके क्वेश्चन कितने आए, 1, 2, 3, 4, 5। तो Q बराबर 5 एंड R बराबर कितना रह गया है हमारा? 1। 16 पर, मिस्टेक है, हमें 16 नहीं 14 पर पहुंचना है। सो देखिए 14 पर जाने के लिए हमें जो है वो ओनली 2 चलना है पड़ेगा, लेकिन हमें 3 3 का डिफरेंस लेना है। तो यहाँ से हम यहाँ नहीं आ सकते, तो ये रिमाइंडर कितना हो गया? 2। और हमारे जो क्यूटेंट हुए 1, 2, 3, 4 हुए। तो Q इज इक्वल टू 4 एंड R इज इक्वल टू 2। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर सी करेंगे, जिसमें आप 6 6 6 का डिफरेंस लेंगे, यानी 6 का टेबल पढ़कर आप ऐसे सर्कल बनाएंगे। जितने सर्कल कंप्लीट है आते हैं वो आप क्यू बराबर लिख देंगे, और जितने रह जाते हैं 21 लाने के लिए उसको आप रिमाइंडर लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ है आपका 95 डिवाइडेड बाई 1। तो देखिए जब भी किसी नंबर को 1 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? वही का वही सेम नंबर। और किसी भी नंबर का 0 में या 0 से किसी नंबर में डिवाइड करने पर क्या आएगा? 0। यहाँ भी 0, यहाँ वही का वही सेम नंबर आ जाएगा, क्योंकि हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं। और जब हम सेम नंबर डिवाइड करते हैं, जैसे 3844 डिवाइडेड बाई 3844, तो इसका आंसर क्या होगा? 1। और यहाँ क्या आ जाएगा? 0। यहाँ 1543, क्योंकि ये जब सेम नंबर डिवाइड होते हैं तभी हमारा 1 आता है। सो इसी तरीके से आप इसके सारे फिल करेंगे। 87 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर बी। सो नाउ हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज मेंटल मैथ 4। पेज नंबर है आपका 89।
सो यहाँ देखिए आपको क्वेश्चन नंबर ए दिया है, राइट इवन और ऑड फॉर द गिवन नंबर। यहाँ आपको इवन और ऑड नंबर बताना है कि कौन सा नंबर इवन है या कौन सा नंबर ऑड है। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, जब आपको पता है इवन नंबर कौन से होते हैं हमारे, 0, 2, 4, 6, 8 जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, और ऑड नंबर 1, 3, 5, 7 जिसमें 2 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर बचता है। तो इसलिए हमें कुछ नहीं करना है, बस इसका लास्ट नंबर देखिए। जैसे लास्ट नंबर इसका क्या है, 3, तो 3 क्या होता है, एक ऑड नंबर है, इसलिए हम ये लिख देंगे यहाँ पर ऑड नंबर, ये पूरा ऑड है। हमें आगे नहीं देखना है, लास्ट वाला देखना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर बी में देखेंगे 4 है, 4 क्या होता है, इवन नंबर, तो यहाँ इवन लिख देंगे। सो आपको भी जस्ट लास्ट वाला नंबर देखना है, जैसे 9 है तो 9 कैसा नंबर होता है आपका, ऑड नंबर, तो यहाँ ऑड लिख देंगे। 7 है ऑड, तो ऑड लिख देंगे। 6 इवन है तो इवन लिख देंगे बस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, डिवाइड एंड फाइंड द क्यूटेंट एंड रिमाइंडर। यहाँ पर आपको डिवाइड करना है, डिवीजन मेथड से डिवाइड का जो मेथड होता है, और आपको इसमें जो भागफल है वो भी बताना है और शेषफल भी। तो देखिए कैसे करना है हमें। तो देखिए यहाँ सबसे पहले नंबर दिया है हमें 969 डिवाइडेड बाय 3, तो हम कैसे लिखेंगे, पहले इसे 3 को बाहर एंड 969 को इनसाइड में। सो अब हम 3 का टेबल पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम किस में देंगे, 9 में। तो देखिए सबसे हमारे जो 100 के प्लेस पर है 9, सबसे पहले हम उसमें देंगे। देखिए 3 से 9 क्या है, बिग है, तो 3 से 9 में दे सकते हैं हम। 3 से का टेबल पढ़ेंगे कि 3 के टेबल में 9 कौन से नंबर पर आता है। तो 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, 3 थ्री ज़ा 9, यानी 3 के टेबल में थर्ड नंबर पर क्या आता है, 9। तो यहाँ 3 हमने यहाँ लिख दिया और 9 यहाँ। अब देखिए 9 में से 9 गए तो क्या बचा, 0, 0 जो है रिमाइंडर बचा। अब देखिए क्या करना है, उसका जो नेक्स्ट नंबर है 6, उसको यहाँ सीधे उतारना है आपको, बिल्कुल सीधे 6 0 के बगल में, बिल्कुल साइड में 6 को यहाँ नोट कर लेंगे। अब 3 का टेबल फिर से पढ़ेंगे, 3 वन ज़ार 3, 3 टू ज़ार 6। अब 6 में से 6 गए तो 0। अब जो ऊपर हमारा पास, अभी हमारे पास क्या बचा है, 9, इसको हम उतार लेंगे यहाँ पर 9 को। फिर अगेन 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 वन ज़ार 3, 3 टू ज़ार 6, 3 थ्री ज़ार, तो थर्ड नंबर पर क्या आ रहा है, 9। तो ये हो गया कंप्लीट और हमारा रिमाइंडर बचा 0। तो यहाँ लिख देंगे हम क्यूटेंट। क्यूटेंट क्या होता है, जो हमारा जो आंसर आया है 323, और रिमाइंडर यानी जो बचा हुआ है। तो यहाँ हमारा कुछ नहीं बचा है, 0 बचा है, तो यहाँ लिख दिया हमने 0। तो अब हमें इसका एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी, 468 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 को बाहर रख लेंगे एंड 468 को इनसाइड में। अब देखिए हमें किसका टेबल पढ़ना है, 2 का। 2 का टेबल ऐसे पढ़ना है, 2 के टेबल में 4 कौन से नंबर पर आता है, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा, तो 2 टाइम पर आता है 4, 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए तो 0। अब 6 को 0 के साइड में उतार लेंगे। अब फिर से अगेन 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 2 थ्री ज़ा 6,
अब 6 माइनस 6 इज़ 0। पहले हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर यहाँ माइनस करते हैं। अब 8 को 0 की साइड में उतार लेंगे। अब 2 1 2 2 2 4 3 3 6 2 4 8, यानी टेबल जब तक पढ़ना है जब तक हमारा जो नंबर दिया है वो ना आ जाए या उससे कम ना आ जाए, उससे ज़्यादा आने पर हमें नहीं देना है। 2 4 8 आ गया, यहाँ 0, सो यहाँ फिर से लिख देंगे क्यूटेंट इज 234 एंड रिमाइंडर इज 0। नेक्स्ट देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर एच करेंगे हम 8404, जिसमें डिवाइड देना है हमें 4 से। तो देखिए 0 वाले नंबर में कैसे देते हैं, पहले 4 से 8 में देंगे। 4 2 8, ये डिवाइड हुआ, माइनस किया 8 में से 8 माइनस 0। अब हमने नोट किया यहाँ पर 4, तो 4 1 4, सो यहाँ माइनस किया तो क्या आया 0। अब देखिए ये तो 0 है, लेकिन ये हमारे क्वेश्चन का 0 है, तो ये 0 हम यहाँ नोट करेंगे। जब हमारे डबल 0 हो जाएंगे तो यहाँ आंसर में भी क्या लग जाता है 0। अब क्या करेंगे, इसके साइड में 4 नोट करेंगे और 4 1 4, सो माइनस किया तो ये 1। ये हमारा क्वेश्चन वाला 0 है और ये हमारा सब्ट्रैक्शन वाला 0। सो इस तरीके से आप 0 वाले पर ध्यान दें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर के। के में है आपका 4209 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से डिवाइड देंगे 4209। अब देखिए 2 का टेबल पढ़ना है हमें, 2 1 2 2 2 4, माइनस किया 0 आया। नेक्स्ट 2 नोट कर लिया, 2 1 2 आया, माइनस किया 0 आया। अब देखिए अगेन ये डबल 0 हो गए तो यहाँ 0 लगा दिया। अब ये 9 नोट करेंगे। अब देखिए 2 1 2 2 2 4 2 6 2 4 8 2 5 10, यानी 2 के टेबल में 9 नहीं आता है, तो 2 5 जो 10 है वो हमारा 9 से ज़्यादा हो जाएगा, बिग हो जाएगा, तो इससे कम लेंगे हम 2 4 8, यानी उस जो नंबर हमारे पास होगा उससे बिग नहीं रखना है हमें, या तो उसके बराबर हो या उससे छोटा हो। अब 9 माइनस 8 किया तो 1, क्या हो गया हमारा रिमाइंडर। सो यहाँ लिख देंगे हम क्यूटेंट इज इक्वल टू 2104 और रिमाइंडर इज 1। सो आप भी इसी तरीके से बाकी के ऑल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपनी नोटबुक में।